तहपे द्वारया रख ले वो दीन दयाल परमत बोहारिया भगत वचन तेरा विरद हारिया तुझ नाही कोए बिनो मोहे सारिया कर गए लो दयाल सागर संसारिया हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम पूर्ण तुम सतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकर देसा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दो मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जान है तुम सदा सदा दे आला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान जी जत सब जच कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछ फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए धर्मादे ठाडे दरबार तुद बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल किवार तुम तन तनी उदार त्यागी शरण सुन सो जस तुम्हार मांगो कहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय दु नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देख न आर जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंधो कर अनुराग जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंधो कर अनुराग ओख सुहंदा सर्व सुख जिस बक्से वे परवाह पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलया हर नाह मन बिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरां दी साजी औ नवाजी परम पू सन्मान योग खालसा साह सिंह जीओ सुभाग प्राप्त है प्रेम दे नाल रस पिना कीर्तन सुनिया है कृपा वाहिगुरु दी बख्श है उपरंत बारह माहे दा पाठ सरवण किया है जड़ा महीना चढ़िया है वो दे विच महाराष्ट्र चे पाछा जी जिक्र कर रहे हैं पोख तुखार ना व्यापी पोख तुखार ना व्यापी पोदे महीने विच तुखार ठंड का भी होंदा तुखार बर्फ का भी होंदा व्यापी की लगदी नहीं पौंदे नहीं जड़े रब दे प्यारे मैं मेहर तो परे होके जो तो प्रेम खिलरदा चाहो सिर तार गली मरी आओ उन्होंने इन्नी बर्फ पैंदी है इन्नी ठंड पैंदी है बर्फ पैन दे नाल काफूस
साफ सुक जाते हैं। पत्रे पुत्रे विरछां दे भी कई विरछ भी सुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ का महीना, बर्फ बहुत पैंदी है ज़्यादा ही। पर पोखत कारण व्यापी कंठ मिलया हर नाहो नाहो नियंता प्रेरक परमात्मा कंठ रीदे विच नाहो परमात्मा मिलया होया है वसदा है। राज बसा साधु की रास नाम जिन्हां तेरे वाहिगुरु दा नाम पंजा प्यारिया राही देखिया मत लै के गुर सरूप वाहिगुरु नूं वसाया है उन्हां नूं जिथे मर्जी बैठन जंगलों जाड़ विच बैठन पहाड़ां ते बैठन उन्हां ठंड कोई भी अस नहीं करती। पोखतार ना व्यापी व्यापी आस नहीं करती लगती नहीं हद तो परे ठंड का महीना बर्फ का। पर गल की है उन्होंने परमात्मा का नाम हृदय विच बसन करके उन्होंने कोई असर नहीं होंदा। पोख तुखार ना व्यापी पोख तुखार ना व्यापी व्यापी लगन का होंदा। पोह दे महीने विच पर हदों परे वर पैंदी है। अपने जीवन चरित्र विच शहनशाह कलगीधर पिता जी अपने पिछले जन्म दी कथा लिखते हैं। हेमकुंट पर्वत है जहाँ साहब सिंह सोबत है तहाँ उस थां पानी है पानी पत्थरे पत्थर है बर्फ ही बर्फ है। तीन महीने ढलदे साल विच वैसाख जेठ हाड़ उस वेले भी धरती साफ नहीं होंदी जिवें गोड़े जे डिगदे गोड़े इतना डिगी जाती है। कंठ मिले हर ना हो पर महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर जी कहंदे सुरत रही जुड़ी पर्व चरण में महाराज की छदर छाया हेठ श्री गुरु पंथ प्रकाश पढ़ के देखिए बहुत सारे ऋषि महात्मा परमात्मा रब दे प्यारे बहुत सारे उत्थे भगती कर रहे हैं। कोई तो खा खा के प्राण चराण वास्ते प्राण किरिया करन वास्ते कोई फुल फल खाई जाता कोई फल खाई जाता और कोई निराहार है कोई जल सकता है। इन्ना बहुत ठंड पैंदी है पर उत्थे कोई सवाल नहीं रहिंदा। गल की है जो मैं की रचना है वो परमात्मा दे हुक्म विच है इस करके उन्होंने नाम से नाम के सदके उन्होंने बर्फ बर्फ आस नहीं करती कंठ मिलया हर ना हो जिन्हें इस वाहगुरु का नाम है उन्होंने बिरती सुकती नहीं जड़ता बिरती होंगी नहीं क्योंकि परमात्मा का नाम है आसरे नहीं करती। जड़ी मैं मेरे तो परे होके मजलां हन गुरसिखां दी वाहता है जिवें बाबा बुढ़ा जी होए हन भाई मतीदास जी होए हन
बाबा देव सिंह जी शहीद, भाई मनी सिंह जी शहीद, उन्होंने भुगत कारण व्यापी भोग तुखार जड़ता बिरती हो जानी जड़ता, जिहड़ी जड़ता रूप बिरती सुक जानी, भाव बिरती सुंगड़ जानी, और शांति तो रहत अर चेतनता तो रहत हो जाना, वो आसरेंड किया ना बाणी दे प्रताप करके भाई मती साहब दे चर सीर ते आरा चल लिया। मती दास दे दो फाड़ा च भाई साहब जी जकड़े हुए हैं, आरा चल रहा, आरे ने दो फाड़ सीर दे कर दिते, पर उत्थे जड़ता रूप बर्फ नहीं लगी। दो टुकड़े होने तो, दो हिस्से होने तो, पंच पुराण पंच वरदान सतारवीं पौड़ी पाठ हो रहा, बाकायदा सीधी जमा पैरन तो भी जड़ता ही नहीं, जड़ता बर्थ आई है नहीं, एम जिमें दो खंड पाठी भोग पाते चांदनी चौंक में दूर तक आवाज आ रही सी, सवाल ही नहीं होया, बिरती जड़ हुई नहीं, बेचेतन हुई नहीं। बाबा देव सिंह जी सिर लस जान तो जड़ता तो सवाल ही नहीं, पामा शहीदी जावा पैरा है, पर वेख लो सजे हाथ में चल रहा खंडा तेगा खबे ढाल, बाकायदा जी मैं रेलदान जो आवाज करता जकारे छड़ते जा रहे हैं। गल की है नाम बरीदे विच नाम का प्रताप है, इतना रब दे प्यारे मणि सिंह दा अंग सुखमनी साहब दे पाठ पर यह है ना बसन तो कंठ मिले हर नाहो नाहो जो परमात्मा नियंता है, ओदा नाम सुवास वास अवस्था होंदी है, अजपा जा बिन देवा जो जपे हयाओ, उत्थे सवाल ही नहीं। पैर तो जिहड़े ब्यासी सुनदे महापुरखा कोल बैठदे सुनदे सी, पर तो बैखरी बाणी है, इहो जी अवस्था प्राप्त करन वास्ते उहदी बोलचाल, बोलचाल करके रसना नाल जाप करना बैखरी बाणी है। फिर मधमा मधमा कंठ भी जाप दूजे नूं पता नहीं लगता, जाप हो जाता, फिर बैखरी बाणी बसंती बाणी है, हृदय विच हृदय मन रहिंदा है, मन सारे सर्कल करदा, वो बाणी जाप करन तों सारे सर्कल, फिर परा बाणी है, परा तूणी तक तूणी ते भी सारे रोम रोम गुरु ते आवे, गुरु को रो रोहर ते आवे, वास्ता है बहुत वड्डी है। उन्हां दे फिर बर्फ ने की पाउणा, जड़ता विरती ने की होना है, आपां तो बहुत पछड़े होए हैं, बहुत पाछड़ गए। पहली गल तो कहीं अमृत भी नहीं छकते, छक वेलों के नितनिम करते ही नहीं, कई बार जो सामने आने तो पूछी है कहते जब जी साहब का पाठ कर लेता चौपाई का, हालांकि जेड़े पांच प्यारे रब दे प्यारे जितना कलगीधर जी ने
श्री आनंदपुर साहब अमृत छकाया छकया भी मर्यादा कैंप की है। बड़े पुराने ने अखरों की ज्ञात वाले ने जिन्हां बाणियों द्वारा अमृत की दात मिली है तासे पा के खंडा फेर दो अमृत एक बूंद अटल अमरना मूहा वो जड़ी बाणियां ताज़ा ताज़ा हो जाती मन ताज़ा हो जाता उन्हां दा नितनेम रोज करना आपां बहुत इस पक्षों कारण जोगवा ताकि इच्छा होए ताको ना पुण प्रमाद कहा सोए असी प्रमादी हैं आलसी हैं दलिद्री हैं बहुत दलिद्र पिया होर तो बल्ले बल्ले संसारक पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ बहुत चल रही जड़ी असली डिग्री नाल जानी है गुरबाणी कंठ होण तो जड़ी जाण वाली चीज़ है वो साढ़े याद ही नहीं साडा बनना की है फिर। हाँ जी करण योग है करण योग वस्तु है अमृत छकना मनुख शरीर हाँ जी ठीक है तुरदुरा तो बाणी है चिंता मिट मिली हाँ जी बाणी पढ़नी ठीक है विचारा कर लेंदे करा करांगे करदे हैं नहीं जड़ी चीज़ करण योग है नितनेम करण योग है अमरदास लेकर जो ठलानी योग है करते ही नहीं उस पास ख्याल नहीं करते आलस दिद करते करते कहीं पासन की पूंजी खत्म निगरे जा रहे हैं ता करके साढ़े उत्ते बड़ी आलस है। आ वेखो जिन्हां ने मैं मेरे तो परे हो कहे जपा जाप है रोम रोम जाप है वड़ी वस्ता है तुरिया तीत वस्ता है उस शरीर नू छड़ के भी जड़ता बिरत जड़ता होन रूप बर उन्हों पौंदी नहीं रब दे प्यारा नू आपां भी कर लिया करिए कुछ जड़े हाले निगरे हैं करंगी धर का अवतार गुरु घबरा रहा है जो गुल करंगी धर के अवतार पुरब तो नेड़े एतवार आ रहा 24 जनवरी दिन एतवार 10:30 11 बजे तक 10:30 गर रही हद 12 तक भी संगत आ सकती है अमर छकन वास्ते पर मर्यादा है पति सती दोवे छकना संकेत हैं कोई लाभ ले लिए करन वाला काम कर लिए असली चीज़ तो उ है आयो सुन पढ़ कहो बाणी नाम सवाल बिरथा जन्म साड़ा बुरा हाल है अलाणिया भी गुरु घर पढ़ते ना गए फिर पाठ भी कराते हैं बड़ी अरदासा होंदिया आपां पढ़ते ही नहीं चाहिदा सानू आप रोज़ निजम नाल अपन हस्ती अपना आप ही काज सवार ही है मुक्त होने का जूनी तो छुटन का कोई नहीं कोई कर सकता बिल्कुल आप कुछ सवार लीए पर लोग तो निगाह रख लीए जिमें कहे महाराज सच्चे पातशाह की कृपा ही करे
परमात्मा अंदर ही है, पर अब नेर होते नेरिया, अंदर बसे बाहर भी ओही, कट कट में हर जो बसा संतन कहो पुकार, रब तो बड़े नेड़े है। किसे राजे ने कुछ बाहरली दलील दृष्टांत दे के रब की प्राप्ति वास्ते कलंकार बनाया है। कोई राजा है, उसने बड़ा बहुत आलीशान बगीचा, बड़ी चित्रकारी, हर प्रकार दे फलां फूलों वाले बड़े बूटे लाए, बड़े फुहारे लाए, बड़ी नहरां चलाईयां, बहुत सुंदर चित्रकारी होती। जो बाग दा फाटक है सैंड बोर्ड लाता, कहिंदे जेड़ा कोई व्यक्ति सूर छिपण तों पहला पहला मेरे ताई लभेगा, मैं उसनूं राज तख देगा। बड़े लोग आए किहड़ा नहीं, वड्याई नूं भालदा, भड़क भड़ के सारी दिहाड़ी चित्रकारी देख गए, सीनरी देख गए, चले गए। कोई सियाना पतवंता आया, उन्हें जिनरी सीनरी है जो संचावट हैं मन मोहन वालिया बड़ी सीनरिया, वो कहते जे राजे मिल गया, राजा लभ लिया, फिर तो यह सारा कुछ मेरे को आ जाना। कोई सोहनिया सीनरिया, बहुत खूबसूरत चीज़ा देखने वाले तो संकोच करके एकदम जो बाग का माली सी वो को आ गया, वो सहायता लही, पूछा पातशाह किधर है, उन्हें राह पाता, मिट्टी की वाहवा ढेरी सी, कहिंदे इधर है। गया चंगा अकलवंत सियाणा पतवंत, अगे ताक लग्या होया जंदरा बजा होया कुंडा, वो कहिंदे बूहा बंद है, इहदी चाबी बाग दे माली तों ले ली। जंदरा खोलिया, जंदरा खोलण तों जा प्रगटा राजे नूं, राजे कोल पुज के राज भाग दा मालक बन गया। इस तरह परमात्मा काल पुरख है अंदरे, बड़ा उन्हें बनाया, जेड़े सत छत्ता मकान भी बनाया, संकेत रखते भी जेड़ा कोई मेरे को आन जा राज भाग लेना, ये शर्त हैं किसे फलदार किसे पौधे नूं किसे नूं भी नहीं पुटना। सत छत्ता मकान है, ये भी कोई ओह जी चीज़ नहीं करनी, गदल नहीं करना, बिगाड़ना नहीं, कोई चीज़ बिगाड़नी नहीं। जड़ा इस तरह यह शर्त आऊगा उन्होंने मैं राजभाग दे देंगा। इस तरह परमात्मा ने दोनी सुहावा बाग, फरीदा पंख परौनी दोनी सुहावा बाग, फरीदा पूमर काली मझ बसूला बाग। परमात्मा ने बहुत संसार बाग पूमर गावली रंद देने वाली जिथे माई भाई बैठा संगत है, ये मझ बिचे ही जरहिला कसंगी, खाना पीना गलत उल्ट पुल्ट वही बस रहे। फरीदा पंथ परौनी दुनी सुहा बाग, परौनी आपा परौनी है, नौत जी सुबह तो चलका कर साज, नौत तौसा जन्म तो ही मौत का तौसा बज रहा, नौत बज रही चलका कर साज,
वो जीव अगां जाना है। साज कूप उद्दम को सरंजाम कुछ उपा प्रोग जान वास्ते है वो ग्रहण कर लै, को नाल जान वास्ते वो ग्रहण कर लै। आप कुछ रब सानू संबत बख्शे, आने वेला साडा टुटिया होया है। आप जिस कार्य वास्ते आए वो कर लीए, मनुख शरीर है पई परात्मा मनुख दे होरिया गोविंद तेरी बरिया पढ़ पढ़ के आप अमल ही कर ले। अमृत वेला सच ना वड्याई विचार कुछ कर लिए, पाठ पंक्तियां जिथे कथा चल रही। भोख तुखार ना व्यापई उन्हां प्रेमियां श्रद्धालुआं नूं भोख तुखार ठंड का भी हुंदा, उन्हां नूं आस नहीं करदे, लगदे ने जिथे मर्जी बैठ जाण। कंठ मिलिया हरनाह जिन्हां दे कंठा बना के रीते दा सुवास वा जा के नाम दा कंठा रिदे पैरिया होया है। मन बेदया चरनार बिंद जो चरण कवल सारखे हैं जिमें भौरा सुगंधी रंधा विच बिन्या जांदा, चरण कमल जो प्रकाश हैं भगत दी सुगंधी देने वाले माया तो नलेप हैं रखण वाले हैं। जिन्हां ने मन बिन्न लिया जोड़ लिया चरणों का ध्यान कर लिया, चेहरे का ध्यान छेती हो जाता चेहरे का, पर जिहड़ा चरणों का ध्यान है वो बड़ा औखा हुंदा। जिवें भाई गोंदा सी कावल विच शहनशाह सत्तवें पातशाह श्री गुरु महाराज साहिब ने प्रचार करो संगतां दी मंग तों भेजे हन, बराग विच आ गया गुरु साहिब ने इन्नी दूर भेज ते रोज दर्शन परस करी से। एक दिन बराग विच अमृत वेले ही स्नान पान करके किरिया सोध गए, चरणा दा ध्यान कर लिया ध्यान। इन बिन जिवें हर वेले कोरां ते देखदा सी, ज्यों चरण दा ध्यान किया इधर सच्चे पातशाह अंतरजामी जानी जान कट कर जान चौंकड़ा मार के बैठ गए। चरण हिलांदे नहीं, सज्जे खब्बे करदे नहीं, कहिंदे ध्यान टुटदा। पिछला पहर हो गया, लांगरे ने वेड़ लंगर तैयार है, महाराज सुनदे नहीं। जदों भाई गोंदे गुरु प्रेमी ने चरणों का ध्यान छड्डिया, जोर उठ के लंगर वाल चले गए। कहिंदे गल की है? कहिंदे भाई जिहड़ा असीं प्रेमी गोंद दा प्रचार करन वास्ते भेजा सी उन्हें ज्यों साढ़े चरण ध्यान विच पकड़े, वह हुण छड्डे चरणों का ध्यान असीं आ गए हैं। इस तरह कवर सारखे इहना मन बिन्न आ गया, लग गया जिवें कि कलोरे राजा प्रेमचंद दा वजीर देवीदास, वो कहते मैं जंग लड़नी है पंगा दे गुरु घर नाल सीएडी करन वास्ते, वजीर देवीदास भेजता। उसने शाम का टाइम सी रहर हॉस्पिटल गुरसिख बाद विचार कर लगे, कह जे पहाड़ी आ गए ना पहाड़ी है दसा दसा बढ़ के नुसट देंगे, महाराज धानक देख ले धानक तीर। हैरान जी हो गया, दलेरी की गल्ला बहादरी दी गल्ला सुन के चला गया वापस। आखन लग्या राजा जी उन्हां दी पूरी तैयारी है, लोगड़ दा किला कुला जिहड़ा तूं करदा वो नहीं उत्थे
जो भी नहीं सरकते ने उन्होंने बड़े दलेर गल् सुनिया उन्होंने मैं कणगे धर दे तणक देखे जिमें त्रेते दे अर्जन भीम सिंह उन्होंने तणक सी आ जिमें तोप का गोला होंदा इं मारनगे कहिंदे अच्छा कड़ा खा लिया कोई ले ली रिश्वत कोई ले ली तू महिमा करदा अच्छा वो इं करो जला दो ये मेरा वजीरनी महत्तल है मैं जंग लड़ रही हैं उन्हां दी सेवा करदा तोड़ गर्म करके नेत्र पहलां भन्नो पहाड़ ते सुट्टो इहदा चकना चूर कर दिओ आर्डर हो गया उही गल करन लगे पठ मंगा के तोड़ गर्म कर रहे इन्हें गुरु साहबां दे इन बिन जिवें चरण देख के कवर सारखे नरानी चेहरा सारा कुछ चरण का ध्यान कर लिया गुरु साहबां ने गर्म तोड़ उन्होंने सेख अपने चरणों में धलिया ये लाभ है देख लो मन बिन्या जावे वो सुटिया सुटिया तोड़ फेरे वो कहते नितल मेरे ज्यों देती हूँ मैं पहाड़ ते सुटिया रो वर्गे घोड़े जे वर्गे पहाड़ बनाते कहते इस नदम मारता सी खत्म जिन्हें मैंने ज्यौदा रखिया उन्हों की सेवा जिंदगी लादा आ गया गुरु घर विच महाराज ने चरणा ते खून सिमदा है पट्टियां बनिया हुई हैं मर्यादा परशोत्तम कणकीर धर जी रोज जानने नू माता जी नू फतेह जान जांदे सी माता ने देखा साहबजादे हो कमसान दे जंग युद्ध विच तुसी तां कदे साथ लग नहीं दिता आ खून सिमदा आ की गल है कहिंदे कोई नहीं पवां जंग ते बगैर जिन्हें पट्टियां बनाईया आपे आके दसूगा आ गया कलगीधर दे सज्जे दीवान विच कहिंदे ओ कर बई देवीदास पहला माता जी ने फतेह जाके आ दस पट्टियां जिवें बनियां ए आ माता जी ने दस्या माता जी मैनू बादल ने पैड़े ने गुरु घर की सिफत सुन तो गर्म तोड़ फेरे पहाड़ ते सिटिया ए महाराज ने गर्म तोड़ा दे सेख आप झले हैं इं वेख लो मन बेध्या चरनार बिंद कबर सारखे चरणों विच जिन्होंने मन भौरा बनाता बिंदता चरण वो चरण जिन्होंने मक्का ही फेरता वो चरण गुरु नानक के स्वरूप विच तुलसा दस इन है आ जबान ला चटन ते तलोके दा ज्ञान हो गया सी ब्रह्म ज्ञान बन गई सी चित चरण नाम जेड़ा नाम है सरगुण स्वरूप दा नाम या हिरदय चरण शब्द सतगुरु नानक बन दे पाल शब्द कोई शब्द है ये चरण हैं पढ़ के सर्वमानन दे आसन कर रूप जिन्हें अपने मन नू बिन लिया दर्शन लगड़ा साह दर्शन लगड़ा साहो साहो शाह प्रेम मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए अमरी वेदन तू जानता सा अबर क्या जाने कोई दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर होए परब मेरा बिंड दर्शन क्यों मन धीरे हो दयाल दर ऐसी बख्श करीज है
लगड़ा लगन पोठोहार दी बोली है लग्या 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 शाओ शा चाओ साओ स्वास स्वास जिन्होंने लगन है दर्शन करने ही करने है दर्शन करने ही करने हैं जिन्हों का स्वास स्वास वगर के चरणों में प्यास लगी है दर्शना दी उस शाह है दर्शन लगड़ा साहो शाह स्वास उस शाह है प्रेम है उछाला है ओट गोविंद गोपाल राय ओट गोविंद गोपाल राय ओह ओट मन तन तेरी टेक मेरे प्यारे मन तन तेरी टेक ओट आसरा परमात्मा ते निश्चा विश्वास कार पुरख दे ओट हर वेले लोक लोग विच मान तन तेरी पढ़ दे ओट गोविंद गोपाल राय गो धरती दा बिंद रखक गो इंद्र दा बिंद प्रकाशक गो पृथ्वी दा पालक ओट गोविंद राय राजा रूप प्रकाश रूप ओदी ओट लई है परमात्मा दी सारे दर छट के ओदी ओट लई है आसरा रहा है परमात्मा दा सेवा स्वामी लाह ओ सेवा करके बड़ा लाभ लंदे हन सेवा स्वामी लाहो सेवा स्वामी स्वामी मालक अंतरजामी वाहेगुरु दी जपन जपान रूप आप जपते हैं जपाते हैं बड़ा लाहा ये बड़ा लाहा है आप जपना जपाना सेवा दा लाहा लंदे हन जिवें भाई मां सिंह जी बड़ा लाभ लिया सेवा दा देश नूं बखसाण वास्ते संसार दी कल्याण मुक्त करन वास्ते भला करन वास्ते कलगीधर सहनशाह पिता दे जंग दी सेवा कीती है बहुत ढंग नाल सिर्फ 40 सिंह 41 माता भाव कौल बहुत जंग हदों परे बहुत घमसान की जंग बौड़ियाँ पवातियाँ कदे एक सिंह लड़ता जिमें मछ हिलांदा समुद्र नूं पैर कटते हद करती जित प्राप्त की इच्छा है जख्म वो जख्मी है जिमें छान नहीं होंगी छान नहीं क्यों गोलियां तीर सिके ना सिर तो भन्ने पया सारा थोड़ी थोड़ी कम कर रही है पर इच्छा तीबर है कलगीधर जी मैनू अंत वेले दर्शन दे एदी सेवा ते प्रसन्न होके कलगीधर जी टिब्बी साहब तो बहुत काले नाल तुरे रकाब रूप टुट गई बहुत छेती पूजे गोद च लै लिया भाई महा सिंह बुद्धि कैम है विचार दिल दिमाग कहते मेरा बिगड़ा कोई नहीं शरीर छाण नहीं छाणनी है कलगीधर जी तुसी मेरा शीस चरण खाब लिखे गोद च लिया हो कहते मंग की मंगता महाराज बाब दर्शन हो गए यमुना साहब जी तैनू पता नहीं सच खुशी का असं मुरद्या ज्योदे करते हैं अभी तुरते कणक कणक का समेर बनाते पता नहीं हाँ पता जी मंग की मंगता जे तुठे हो जे बड़ाप ते दात वे दाते हो
बड़ी दात दे दो, मंगता सही महाराज के पातशाह आ साडा जड़ा मालवा है ना कैर बन गया, कुछ पतावे ले गया, जंग तो डरता हो बहाल कर दो, बितावा पाड़ के गंढ रहो, कहते टुटी सू खुटी जड़े कह रहे हो दोस्त के बंदा लिख गया, लिख गया लिखित बच्च तुम्हारे वास्ते मंग मैं कुछ लेना ही नहीं। फिर बड़ा कुछ राज कहते की करना इंद्र उन्द्र की बनना, मैं कृपा कर दो खुश हो कहे टुटी गण हार गो पाल सर्व जी आपे छाती नाल लाया दिखा के बदावा पहाड़िया ज्योतिज में ला लिया देश बखसवाया वर देता महाराज ने इत तीर्थ सरोवर रचो रहतवान रहत रखन वाला सरोवर स्नान करता जा भी सारा पर मुक्त हो जो आ कि लाभ लेगा सेवा करके। बिखिया पोहे ना सकई, बिखिया माया पोहे मोहत नहीं कर दी, असर नहीं कर दी। कबीर आई मुझे पे अन करे कर पेश, हम राखे गुरु अपने उनके ना आदेश। कदे राणी पट राणी बड़ा कुछ करके बन के आंदी रही है, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी कागनी प्यारी, प्यारी। असने किता साहबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी कचहरी भी खड़े है, बड़ा नीरिया बेगमां दे डोरे और दे वजीरिया सुबेपना बड़ा कुछ दे रहे हैं, पर आ सुख माया मोया दे वजीरिया बजूरिया दे अहद्या दे परवाह नहीं की, गज के फतेह बनाते हुए सीधी जमा पैर गए। वेख्या लै डुबी परिवार पुराणा दे पुराण माया तो माया हुई नागने जागत ले लपटाए, गल की है वो मिथ्या समझ माया जेवड़े दुख ने होर सच आख सुनाया वो तो माया नू दुखदाई समझते हैं, असर नहीं करता उन्होंने वेख्या बकार वो आशा उन्होंने की माना है। जिस नाम रिदा सोई बड़ राजा जिस नाम रिदा तिस पूरे काजा, वो तो आप पातशाह उन्हां कोल सास दुख दया धर्म करना मैत्री बहुत फौजा हन मिल साधु गुण गाह। महाराज सच्चे पातशाह साडा भला होवे सन भी कोई दसो टंग मनुख सिर ते सफलता वाते साधु मनसा चीज है मानसा सजर कोई बहुत असा चीज है संकल्प विकल्प कोई मना मन का सा मन है व्यापी फुरना ही है आदत बन के कई आती सराबा पीते पुठे काम करते हैं सल संकल्प विकल्प की पंड है मन जीता जगजीत इसनों काबू करना पाठ मंगती मिल साधु गुण गा जिन्होंने मन साध्या शुद्ध कर लिया काम क्रोध के जेतू हैं हंकार के जेतू हैं वड्याइया लोभ ते त्यागी हैं उन्हां दी संगत विच मिलके गुण गाहो गुण गाहो ग्रहण करो तारण करो चंगे गुण दे ग्राही बन जाओ चंगे गुणा दे गाहो थाए बन जाओ अच्छे गुणा दे गाहो ग्रहण करके
गुणा दी थाए बन जो जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाह। सच्ची प्रीत समाह जिन्हों की सच्ची प्रीत है, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, सच्ची प्रीत असली प्रीत दिलों ही प्रीति है। जो मोह नाथ परमात्मा प्राप्त नाल सच्ची प्रीत है, वो समा समाड़ा उन्होंने उत्साह है, वो समा जाते जह ते उपजीता है मिली। जितों अज्ञान करके परम भ्रांति करके बिरती उखड़ी सी, बिरती कुछ मलीन हो गई सी, को अज्ञान करके ज्ञान पैदा होने तो उखड़ी सी, ज्ञान होने तो ब्रह्मा क्याल बिरती होने तो जापता कर दो उत्थे उखड़ी हुई बिरती जुड़ गई। रब दे समाड़े वालों उन्हों दी रब बिरती जुड़ गई, ब्रह्माकार हो गई। सच्ची प्रीत समाह, सच्ची प्रीत समाड़ा उत्साह रहिंदा उन्हां दे ताई समा गए। कर गह लीनी पार ब्रह्म, कर गह लीनी पार ब्रह्म कर हाथ विच जिन्हां दी पूजा पकड़ी, जिवें कश्मीरी पंडितां दी नवे पाशाह ने बाई पकड़ी है, देख लो ज्यों बाह पकड़ी छड़ी नहीं, सीधी जमा पै रहा उन्होंने जंजू आदि धर्म पूरा रखा। धर पई है धर्म ना छोड़ी है, छड़ी नहीं। इस तरह जिन्हों की बिरती रूप पूजा प्रेम हाथ में पकड़ते हैं वाहगुरु सच्चा पातशाह, सिरे तक ओरख तक मुक्ति तक अपेदने तक पहचानते उन्हें प्रेमिया जग्यासुआं बोहड़ना विछड़िया। मुड़ के मिलने की है सूरज किरण वाले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रही सपूर्ण थिया राम। वह भेद कर ले अवरे च मिल गए मिला ले, बिछड़ना की है जे रब विच मिल गए रब रूपे हो गए। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाह। मां दे गर्व दा सज्जन है, नौ दस महीने बड़ी सज्जनाई बड़ी रखिया कीती है, हर सज्जन अगम गमता नहीं, बुद्धि सियाणपां दी मन दे वाकां दी खाठ शास्त्रां दी अगम है, अगाह हो ग्रहण नहीं किया जा सकता। साधना करके मन की पहुँच नहीं, साधना करके अगाह हो आस पास आतुल है, पकड़ तो रहता है अगाह आस पास अतुल परमात्मा है। बार जाओ लख बेरिया मन तन करके, मन तन करके रोम रोम करके तन मन सारा निशावर करके लखा वारी आपा घुमा वार नहीं, आपा घुमा का वार के साधना का अहंकार छड़ के विद्या अहंकार छड़ के रूहानी ताकत का बल छड़ के सारे रिद्धियां सिद्धियां का बल छड़ के आपा घूम बलिहार बलिहार ले जाइए, लखा वारी वार ने बलिहार ने जाइए उस परमात्मा तो। हर सज्जन अगम अगाह, उस सज्जन है अगम है मान बुद्धि की गमता नहीं, अगाह हो ग्रह नहीं किया जा सकता, और किसी साधन ते साधन करके अगाह हो इन हथाला देखिए बुद्धि दी च ग्रंथा की चराई करके ना खट सातना सियाण बना अगाह पकड़ ग्रहण कर तो रहत है। शर्म पई नारायण नानक दर पिया हो जड़ा सारा तन मन अंग पाप छड़ के
शरण पै गए, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार। मैंने कि कश आए ना मोरा अवसर लजा राखड़ो साधना जाना तोरा, किसी कोई कोई मांझन मानी एक तुम तुरु छोड़ जाए एक परब कह दर न माने न ताने होके दर दे प्रेमी बन गए। जे मैं प्रेमा कोड़ी सी कोटी सी ओ तीजे पाशा सतगुरु अमरदास जी दे दर ते आ पिया रहन लग पिया। दरबार साहब दे बाहर बैठ गया धरना मार के, तुप छां दी परवाह ही नहीं, अनपण दी कोई गल्ले नहीं। गया लंगोटा लद्दा फेर, गया लंगोटा लद्दा फेर, आ टप्पा जा पड़ी जांदा। महाराज आखन गए भी आ वो महाराज पड़ा पड़ी जाता, गया लंगोटा लड़दा फिर, गया लंगोटा लड़दा फिर। वो कहंदे लंगोटा शरीर गया खराब हो गया, कोट ने खराब करता गालता, ये सामदा लब जो इतने गुरु घर बिच। महाराज ने कसोटी ला थी, कहंदे असीं जो दरबार साहिब जाते हैं आते हैं ये साढ़े दर्शन करदा, कंध चिण दो उची कंध चिणती दर्शन भी नहीं होंदे। पर इहदा हट भुखा प्यासा ही सात दिन बैठे ही रहा, यही टप्पा जा पड़ी गया। बड़ी सिफारस करन लगे गुरसिख महाराज, ये तां बस दरदा कुकर हो के बैठे, कृपा करो दया करो मेहर करो, इतने दया करो मेहर करो, दया करो मेहर करो। सिफारस करन तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहते चलो तो बाली सिफारस कर दें। अमृतवीर जी स्नान किया, उस पानी नाले का स्नान कराता, स्नान कर तो फलकारियाँ जी होंगे फल पुरातन बीबिया बना फलकारी जी उत्ते देती, महाराज को लेके आ गए। इं बन गया इन कोड़ हुसन जोवन, बहुत सुंदर बन गया, खूबसूरत बन गया। महाराज ने कंचन वर्गे का शरीर बनाता अते प्रोग सवारता, ब्रह्म ग्ञानी बनाता। जड़ी गुरसिखा नूं बाई मंजियां सेवा करन वास्ते महाराज ने उन्हां विच आ प्रचार करते ब्रह्म ग्ञानी बनाता सी, उहदा बिरद है धर्म है। सरन पए दी लज्जा रखता है परमात्मा, आपां वी नमाणे नताणे हो के कुछ बिरती अंतरमुख जी करके संसार दे डंबर तों धंधियां कार तों गलत चीज़ां फिल्में गाने गुण जे इन्हां तों कुछ संकोच करके ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਮੁਖ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਇਹਦੀ ਸਿਰਣੀ ਖੇਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਉਹ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿੱਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ।
बेपरवाह परमात्मा है, सो समा संपूर्ण महाराज संबत बख्शे, सानू भी कुछ कृपा करे, मेहर करे, परलोक सुधार लोक सुई परलोक सेले बाणिए नमाने ताने बन के दर्शन की इच्छा रख के सिखी जमात में आइए, बेनतियां करिए हम कुकर तेरे भौंके आगे सार महाराज साडा भला कर दिओ, दया कर दिओ, दर दे कुकर समझ के अरजोइयां करिए, अमृत दा वाटा तैयार होना है। ये तरीक है 24 जनवरी ऐतवार कलंगीधर शहनशाह पिता दे वितार गुरप तो कुछ 3-4 दिन मगरों अमृत दा वाटा तैयार होना, जिन्हां दे मन बने हुए हैं दरबार साहब को पहरेदार हैं उत्थे नाम लिखा सकते हो, मत्था टेकना दे श्याम सवेरे उहदा नाम लिखा सकते हो। हुण चंद मिनटां वास्ते सत्कारयोग ज्ञानी अवतार सिंह 5-7 मिनट बचार रख लैण, उस तों बाद परम प्यारे हरि सिंह दा 5-7 मिनट बचार रख लो, उसके बाद अरदास करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।